हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुली स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था समन्वय, तो मैंने आपको समन्वय मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन और समन्वय की विशेषताएं आपको मैंने करा दी थी। आज आपका अंतिम टॉपिक है समन्वय का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। महत्व, जैसे किसी एक फल को आप खाते हो तो फल को तभी खाते हो, उसका क्या फ़ायदा है, उसी उस फल को खाने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम महत्व। यानी समन्वय से किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाले आपसी मतभेदों को समाप्त कर देता है। जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, अपने जो कर्मचारी हैं उनमें उत्पन्न होने वाले जो मतभेद हैं, आपसी झगड़े हैं, उनको समाप्त कर देता है। क्योंकि समन्वय का मतलब ही तालमेल बिठाना होता है, आपस में तालमेल होना ही समन्वय कहलाता है। तथा संगठन में होने वाले कार्यों के दोहराव को रोकता है। जो संगठन में जो कार्य कर रहे हैं उनमें जो दोहराव है उसको भी यह रोकता है। जो आपसी मतभेद हैं, जो एक ही मतलब कि किसी भी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए तालमेल बिठाकर सभी कर्मचारियों का साथ कार्य करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय की महत्ता को स्पष्ट किया है एक लेखक है, समन्वय किसी संगठन में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जो समन्वय है किसी भी संगठन के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। एंड जो समन्वय है कोई भी संगठन है उसके लिए ज़रूरी होता है। बिना संगठन के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर मैं आपको एक लकड़ी देता हूँ तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर मैं आपको चार लकड़ी दूंगा तो उन्हें आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार यानी जो समन्वय है, किसी भी संगठन में सभी कर्मचारी एक साथ कार्य करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समन्वय का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जो समन्वय है उसका महत्व कुछ बिंदु हैं उनसे स्पष्ट होता है। संगठन का आकार, किसी भी संस्था में बड़ी संख्या में कर्मचारियों कार्य करते हैं, कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, उसमें भिन्न भिन्न विचारों भावनाओं मान्यताओं या धर्मों के लोग कार्य करते हैं तो किसी समन्वय के द्वारा ही उसको हम अपने लक्ष्य के लिए कार्य करा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, संगठन का आकार बड़ी संख्या में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है अतः वहाँ समन्वय करना कठिन होता है। जो संस्था है उसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है अतः वहाँ समन्वय करना कठिन होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर वहाँ पे कर्मचारी अधिक होंगे तो आपसी उनमें बात करानी और उनमें तालमेल बिठाना, उनमें कठिनाई का सामना करना होता है। ऐसी संस्थाओं में भिन्न भिन्न विचारों भावनाओं मान्यताओं और धर्मों के लोग कार्य करते हैं। अगर कोई संस्था है उनमें भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक यानी जो मैनेजर है कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों में कार्य के लिए प्रति समान विचार भाव उत्पन्न कर सकता है। जो प्रबंधक है उन्हें मोटिवेट कर सकता है किसी भी कार्य के लिए तथा इन सभी के विचारों में समरूपता या एकता स्थापित कर सकता है। जो अलग अलग विचार, अलग अलग भावना वाले, अलग अलग धर्म वाले जो व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं उनमें वह व्यक्ति जो मैनेजर है एकता व समरूपता ला सकता है और किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है। समन्वय में है उससे जो कार्यों में दोहराव है उसको रोक लिया जाता है और बची हुई कार्य क्षमता का अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए हो जो समन्वय का महत्व है, जो उसमें जो बिंदु हैं उसमें है संगठन का आकार। दूसरा लिखा हुआ है कार्यात्मक विविधीकरण। जैसा लिखा हुआ है, संगठन के कार्य को किसी संस्था के विभिन्न विभागों, उपविभागों एवं वर्गों कर्मचारियों में बांटा जाता है। यदि कार्यों का युक्तिसंगत बंटवारा न हो तो कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। देखो, आपने देखा होगा, जैसे आपका स्कूल का मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ और मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। जैसे आपके स्कूल में तीन मैनेजमेंट में कार्य हो रहा है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में आपके डायरेक्टर और प्रिंसिपल आते हैं,
उसके बाद जो मिडिल मैनेजमेंट में है उसमें जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे साइंस डिपार्टमेंट का हेड है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, और तुम्हारा जूनियर जो प्राइमरी स्कूल का हेड है, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो तुम्हारे मिडिल मैनेजमेंट में आता है, और जो तीसरा है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जिसमें जूनियर टीचर लोग आते हैं। तो अगर उनके साथ एक साथ मिलकर कार्य नहीं किया जाएगा तो उनमें क्या है, असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी। अलग अलग व्यक्ति कार्य करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर एक साथ आप कार्य करोगे मिलकर तो वो क्या है, तो कार्यात्मक विविधीकरण भी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में संगठन में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समन्वय अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट टॉप लेवल के में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रभावी ढंग से समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी किसी भी कार्य को लिए जो लेवल हैं उनमें समन्वय का होना आवश्यक होता है। तीसरा है विशिष्टीकरण। जैसे लिखा हुआ है, आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण की विशेष महत्ता है, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए। जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए, तो अतः जहाँ विशिष्टीकरण है वहाँ समन्वय करना ही पड़ेगा। जहाँ पर विशिष्टीकरण पाया जाता है वहाँ पर समन्वय का होना भी जरूरी होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया संगठन का आकार, उसके लिए समन्वय का महत्व होता है, स्पष्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्यात्मक विभेदीकरण, उसके बाद फिर विशिष्टीकरण। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों पर जोर। जो समन्वय है, जो मानवीय संबंध हैं उनमें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जैसे अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, अगर तीनों व्यक्ति, तीनों लेवल के जो व्यक्ति हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, एक साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं, उनके संबंधों को बनाने में, उनमें आपसी तालमेल बिठाने में समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे लिखा हुआ है, मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से भी प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय नहीं है तो संगठन के कर्मचारियों में अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर संगठन में पर्याप्त समन्वय नहीं है, जो होना चाहिए, जिस समन्वय की आवश्यकता है, तो संगठन के कर्मचारियों में अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी कार्य को, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि समन्वय का मतलब ही होता है आपसी तालमेल। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही समन्वय को याद किया जा सकता है, मैं फिर से उसे दोहराऊंगा। एक लकड़ी अगर मैं आपको देता हूँ, अगर उसको आप आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन अगर मैं आपको चार लकड़ी एक साथ दूं तो उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। यानी सभी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगर एक एक करके अलग अलग कार्य करोगे तो किसी भी लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों, नियोजन यानी जो प्लानिंग है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, निर्देशन डायरेक्शन है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, नियंत्रण कंट्रोल आदि की कुंजी। जो समन्वय है सभी कार्यों में, नियोजन, प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन डायरेक्शन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नियंत्रण आदि की कुंजी है। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों एवं संगठन के विभिन्न भागों, नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय करना अति आवश्यक है। अतः प्रबंध का प्रत्येक कार्य समन्वय का अभ्यास है एवं समन्वय प्रबंध का सार है। जो समन्वय है प्रबंध का सार है। बिना समन्वय के किसी भी प्रबंध को नहीं किया जा सकता और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समन्वय के साथ ही किसी भी लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। एक दूसरे से तालमेल मिलाकर ही किसी कार्य को करना भी चाहिए। तो मैंने आज आपको समन्वय का महत्व करा दिया है, और आज आपकी ये अंतिम क्लास है। कल से आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा प्रबंध का सिद्धांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।